वैष्णव कौन है जिसके ललाट पर उर्द्र पुंड्र तिलक है, गले में तुलसी कमलाक्ष है और हृदय में भगवान नारायण है, वो वैष्णव है। गले में तुलसी नहीं है तो वो अवैष्णव है। अरे भाई, ऐसा कहते हैं हमारे वैष्णवों में, जिसके गले में तुलसी नहीं उसके हाथ का तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तुलसी की माला धारण करो, तुलसी पहनो। पट्टा जिसके गले में होता है महाराज, घर में पाले जाते हैं वो, और नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, डंडे खाते हैं, पत्थर खाते हैं, क्योंकि एक पालतू होते हैं और एक फालतू होते हैं। फालतू तो दिन रात देखा ही है आपने, भौंकते हैं, लेकिन पालतू मर्सिडीज में घूमते हैं, बीएमडब्ल्यू में बैठते हैं, कोठी में जर्मन शेफर्ड है, टॉमी। फालतू से पालतू कब बना विचार करो, जब उसके गले में एक पट्टा आ गया, उसको नाम दे दिया, वो मेंबर बन गया। और फिर पड़ोस का आदमी कोई हमारे टॉमी को कुछ कह दे, लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन फालतू की कोई कीमत नहीं, डंडे खाता है, चोट खाता है, रोटी भी नसीब नहीं होती, और वो गाड़ियों में घूमता है, एसी में सोता है, बैठता है, मेम साहब उसको गोद में लेकर घूमती हैं, टॉमी। गले में यदि तुलसी नहीं होगी तो फालतू बन जाओगे, दर दर की ठोकर खाओगे। गले में तुलसी रूपी बेल्ट आ गई तो आप पालतू बन गए, किसके? उस ठाकुर के, उस परमात्मा भगवान के। फिर भगवान को आपको जवाब देना, भगवान आपका जवाब देंगे, पर दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, विश्वास। सिंदूर की बिंदी माताएं लगाती हैं क्यों? ये इस बात का सिंबल है, ये किसी की है। रात कथा सुन करके जा रही हो, मन चले घूम रहे हो, किनारा कर लेते हैं, क्यों ये बिंदिया इस बात का सिंबल? इसके कोई आगे है, कोई पीछे है, छेड़ना उचित नहीं। तद्रूप माथे के ऊपर यदि ये तिलक है, वैष्णव स्वरूप है, इसका मतलब ये है किसी का। किसका? बोले परमात्मा भगवान का। जैसे सिग्नल होता है ना, रेड सिग्नल होते ही गाड़ी वहीं रुक जाती है, फिर खतरा नहीं रहता। इसलिए वैष्णव बनो, तिलक लगाओ, गले में तुलसी धारण करो।